दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद जागी दिल्ली पुलिस, पूरी दिल्ली में चला स्पेशल ड्राइव। एडिशनल कमिश्नर और डीसीपी ने आधी रात तक किया गश्त, काले शीशे वाली गाड़ी के कांटे चालान। साउथ वेस्ट एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय चौधरी का बयान, दिल्ली वालों में भरोसा कायम करने के लिए जारी रहेगी पुलिस की खास मुहिम। ईस्ट ऑफ कैलाश में एडिशनल पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में पुलिस ने बसों के लिए तलाशी, महिलाओं से पूछा छेड़खानी तो नहीं हुई। दिल्ली पुलिस के स्पेशल ड्राइव पर बोली महिलाएं, लगातार जारी रहनी चाहिए मुझे। दिल्ली गैंगरेप कांड ने छीनी रातों की रौनक, दिल्ली की नाइट लाइफ पर दिल्ली पुलिस की पाबंदी। 12:30 बजे तक नाइट क्लब में म्यूजिक हो जाएगा बंद, 1 बजे तक लास्ट ऑर्डर सर्व करने का फरमान। गृह मंत्रालय ने दिए दिल्ली पुलिस को निर्देश, 1 फरवरी तक बस के ड्राइवर स्टाफ का हो वेरिफिकेशन। स्कूल बसों के अलावा सभी निजी बसों पर लागू होंगे नियम, ड्राइवर का करियर हिस्ट्री भी खंगालेगी पुलिस। छवि सुधारने के लिए दिल्ली पुलिस चला रही है जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, सरतबियार थाने में जवानों को बताया गया कि कैसे करें महिला मामलों की तफ्तीश। जम्मू के पुंछ सेक्टर में एलओसी पर फिर फायरिंग, कृष्णा घाटी इलाके में बगैर उकसावे के पाक फौजियों ने चलाई गोली। कल दोपहर करीब 12:30 बजे शुरू हुई फायरिंग, भारतीय फौज ने भी दिया करारा जवाब। पाकिस्तान ने 10 दिन के भीतर चौथी बार तोड़ा युद्ध विराम, 100 मिनट तक चली फायरिंग। एलओसी पर जिस जगह फायरिंग हुई उसकी हिफाजत कर रहे थे 13 राजपूतन राइफल्स के जवान, इसी टुकड़ी के लांस नायक सुधाकर सिंह और हेमराज पाक गोलीबारी में हुए थे शहीद। शहीद सुधाकर सिंह का कल मध्यप्रदेश की सीधी में हुआ अंतिम संस्कार, मंगलवार को सरहद की रक्षा करते हुए थे शहीद। सरहद पर फायरिंग के बाद पाकिस्तान के नए करतूत, पुंछ इलाके में भारतीय ट्रकों के लिए नहीं खुले दरवाजे। पुंछ में एलओसी पर चक्का दबाव है, एंट्री पॉइंट, टमाटर और ड्राई फ्रूट्स लेकर पाक जा रहे थे 25 ट्रक। करार के तहत बुधवार से शुक्रवार तक दोनों देशों के बीच होता है व्यापार, हर रोज करोड़ों का लेन देन। सूत्रों के मुताबिक 9 जनवरी तक पाकिस्तान गए थे भारतीय ट्रक, लेकिन 10 जनवरी की सुबह पाकिस्तान ने गेट बंद किया। पाकिस्तान की करतूत से भारतीय कारोबारियों को भारी नुकसान की आशंका, करीब 100 करोड़ का सामान हो सकता है बर्बाद। सरहद पर पाक सैनिकों की बर्बरता के बावजूद पाकिस्तान के साथ तय कार्यक्रम के मुताबिक लागू होगा वीजा समझौता, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का बयान। पाकिस्तान की कार्रवाई पर बोले चिदंबरम, का मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं ले जाएंगे। पाकिस्तान की वादाखिलाफी के बावजूद कांग्रेस सांसद मणिशंकर अय्यर, पड़ोसी से बातचीत के पक्ष में कहा, पाक को कुछ कहने के लिए बात तो करना पड़ेगा। पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार का बयान, भारतीय जवानों को बर्बरता से मारने की खबर को बताया गलत, का भारत के साथ चाहते हैं बेहतर रिश्ते। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री जावेद जब्बार ने अपनी फौज का किया बचाव, कहा पाक फौज ऐसा नहीं कर सकती। एलओसी पर पाक सैनिकों की बर्बर कार्रवाई के खिलाफ बेंगलोर में केंद्रीय मार्ग सरकार ने से श्वेत पत्र जारी करने की मांग। एलओसी पर शहीद हुए भारतीय जवानों को जम्मू के लोगों ने दी श्रद्धांजलि, मोमबत्ती जलाकर किया शहीदों को याद। पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली में आज बीजेपी का प्रदर्शन, विरोध में उतरेंगे पार्टी के बड़े नेता। पाकिस्तान की करतूत पर बीजेपी का प्रदर्शन, राजौरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जमकर विरोध। शहीद हेमराज की मां ने कहा, हम देखना चाहते हैं बेटे का चेहरा। दिल्ली के बिंदापुर में 27 साल की महिला और उसकी 6 साल की बच्ची का मर्डर, पास में घायल व्यक्ति भी बेहोश में। दिल्ली के अलीपुर गैंगरेप मामले में चौथा आरोपी भी चढ़ा पुलिस के हत्थे, कहा झूठा फंसाने की है साजिश, 5वां आरोपी अभी फरार।
दिल्ली के नरेला में धूरू का जली होंडा सिटी कार, कुछ ही मिनटों में खाक हुई कार, पेट्रोल की कार में आग लगने से उठे सवाल। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बच्ची की मौत पर हंगामा, मिली थी जली हुई लाश, लोगों ने पुलिस को बनाया निशाना, जमकर लाठीचार्ज। गुस्साए लोगों ने जमकर की तोड़फोड़, मुख्यमंत्री का जला पोस्टर, काफी देर तक होता रहा हंगामा। दिल्ली में ऑटो रिक्शा चालकों की अब नहीं चलेगी मनमानी, जाने से मना किया तो कटेगा चालान। मीटर से नहीं चलने बस सलूकी करने की मिलेगी सजा, ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 2584444 पर करना होगा फोन या फिर 567-67 पर करें एसएमएस। एसोचैम के एक सर्वे ने खोली सरकारी दावों की पोल, दिल्ली एनसीआर में बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के दौड़ रहे 82% वाहन। एसोचैम रिपोर्ट का दावा, बिना रजिस्ट्रेशन की घूम रही 78% गाड़ियां, 52% लोग नशे में करते हैं ड्राइविंग। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार, हरिनगर के व्यापारी से वसूली की 80 लाख की फिरौती। बेंगलोर की मोमबत्ती फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 10 फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नोएडा की हुस्सा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। गुड़गांव पुलिस के हत्थे चढ़े दो शातिर बदमाश, 24 घंटे के अंदर 3 हत्या, पुलिस का खुलासा। मामूली बात पर अपने पब मालिक की हत्या करने का आरोप, 2 पुलिस वालों को भी उतारा था मौत के घाट। दिल्ली से सटे गुड़गांव के घर की छत पर चढ़ा सांड, फायर ब्रिगेड की मदद से घंटों बाद सांड को नीचे उतारा जा सकता। मुंबई पुलिस ने एक नाबालिग लड़के के लिए हिरासत में, नामी मॉडल के नाम पर फेसबुक अकाउंट बना कर लोगों के साथ करता था ठगी। मॉडल के जानने वाले से फेसबुक पर मांगे 10,000 रुपए, पैसे लेने आया तो पुलिस ने धर दबोचा। मुंबई में फेसबुक पर पोस्ट डालने वाले की गिरफ्तारी पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दिया जवाब, कहा लड़कियों की गिरफ्तारी सही। मुंबई के कल्याण में 5 साल की बच्ची को बेरहमी से मारने पर चाची गिरफ्तार, बच्ची पर 6 महीने से अत्याचार, त्रस्त पड़ोसियों ने की थी पुलिस में शिकायत। मुंबई में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी गिरफ्तार, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस और कई तरह के फर्जी प्रमाण पत्र बरामद। छेड़छाड़ और रेप जैसी वारदात को रोकने के लिए रेवाड़ी में 15 गांव की महापंचायत गांव गांव जाकर बनाई जाएगी कमेटी। चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में दंपति पर नाबालिग लड़की के यौन शोषण का संगीन आरोप, काम करने के लिए दिल्ली से लाई गई थी लड़की। नाबालिग लड़की ने घर की छत से लगाई छलांग, कई धाराओं के तहत पुलिस ने आरोपी दंपति पर दर्ज किया मामला। मध्य प्रदेश के सीहोर में मूक बधिर छात्राओं को बॉयज हॉस्टल भेजे जाने का सनसनीखेज मामला, प्रशासन जांच में जुटा। यूपी के मुरादाबाद में विधायक हाजी यूसुफ अंसारी के भाई पर महिला को धमकाने का आरोप, एडीएम सिटी से की शिकायत। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बलात्कार के शिकार लड़कियों की संख्या 11 से बढ़कर हुई 16, नई शिकायतों के बाद 5 और लड़कियों का हुआ मेडिकल टेस्ट। बलात्कार मामले पर शुरू हुई सियासत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा रमन सिंह सरकार को तुरंत कर देना चाहिए बर्खास्त। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गैस टंकियां बनाने के नकली कारखाने का भंडाफोड़, 5 सालों से चल रहा था गोरख धंधा। छापेमारी के दौरान हजारों की संख्या में मिले कुकिंग और ऑक्सीजन सिलेंडर, कच्ची का मालिक फरार, पुलिस कर रही है जांच। यूपी के रायबरेली में बदमाशों की हैवानियत, बलात्कार में सफल होने के बाद मारी पीड़ित लड़की को कुल्हाड़ी। शिमला में पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से युवक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। पुलिस पार्किंग से गाड़ी निकालने गए थे, 2 युवक हाथापाई के बाद पुलिस ने चलाई गोली, परिजनों का हंगामा। यूपी के फर्रुखाबाद में हैवानियत के सरेआम, युवक ने घर में घुसकर 8वीं क्लास की छात्रा से की रेप की कोशिश। रेप का विरोध करने पर आरोपी ने केरोसिन डालकर छात्रा को जला, पीड़ित की हालत बेहद नाजुक, पुलिस ने किया मामला दर्ज।
लखपत घोटाले के आरोपी यूपी के दो पूर्व मंत्रियों का लखनऊ की अदालत में सरेंडर। रंगनाथ मिश्र और चंद्रदेव राम यादव को 19 जनवरी तक हिरासत। झारखंड के लातेहार में सामने आई नक्सलियों की दरिंदगी। शहीद जवानों का पेट चीर कर लगाया था बम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, डॉक्टरों को सीआरपीएफ जवानों के पेट से मिले 3 जिंदा बम। बम स्क्वाड ने भी निकाला बम। कोलकाता में पुलिस की वर्दी पर लगा दाग, छेड़खानी के आरोप में एएसआई गिरफ्तार। मानसिक रूप से परेशान 40 साल की महिला से छेड़खानी का आरोप, स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में था तैनात। रायपुर के बीजेपी सांसद रमेश वैस का शर्मनाक बयान, कहा बड़े लोगों के साथ बलात्कार तो समझ में आता है, छोटी बच्चियों के साथ रेप करने वालों को फांसी पर लटका देना चाहिए। त्रिपुरा में ठंड ने 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, 3.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया तापमान। उत्तर भारत में मौसम ने कई पलटी, शीतलहर खत्म, मैदानी इलाकों में तापमान 7 से 8 डिग्री बढ़ा। दो हफ्तों से कांप रही दिल्ली को ठंड से मिली थोड़ी राहत, न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम तापमान 20 के करीब। ठंड से ठिठुर रहे लखनऊ वालों को भी मिली राहत, कल नवाबों के शहर में अधिकतम तापमान 18 डिग्री था। पिछले 10 दिनों के भयंकर ठंड से दिल्ली में चरमराई सब्जी की सप्लाई, सप्लाई कम होने से महंगी सब्जी और खाद्य। टेस्ट के हार का बदला लेने आज राजकोट में क्रिकेट टीम इंडिया, दोपहर 12 बजे शुरू होगा इंग्लैंड के खिलाफ पहला वनडे। भारत के सामने फिर से वनडे का सरताज बनने का मौका, इंग्लैंड से जीतना होगा 5 मैच। इंग्लैंड है वनडे की नंबर 1 क्रिकेट टीम, भारत है वनडे का वर्ल्ड चैंपियन। इंग्लैंड के खिलाफ भारत का धमाकेदार रिकॉर्ड, पिछले 7 साल से भारत में वनडे नहीं हरा पाया इंग्लैंड। 2006 के बाद टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 17 में से 16 वनडे मैचों में दी मात, पिछले दोनों सीरीज में किया क्लीन स्वीप। मैच से पहले कप्तान धोनी ने ओपनर्स के खराब फॉर्म पर जताई चिंता, कहा रहाणे गंभीर की जोड़ी से बड़ी उम्मीद। कप्तानी को लेकर उठे सवालों से धोनी ने किया पारिस का, वनडे में कप्तानी छोड़ने का कोई इरादा नहीं। सीरीज से पहले दोनों प्रैक्टिस मैच हारने के बावजूद इंग्लैंड टीम के हौसले बुलंद, कप्तान को अपने का जीत के लिए जान लगा देगी टीम। वनडे सीरीज शुरू होने से पहले चेतेश्वर पुजारा ने रणजी में जमाया 13 शतक, लेकिन धोनी ने कहा राजकोट में पुजारा को मौका मिलना मुश्किल। पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने की पुजारा को वनडे खिलाने की मांग, कहा इन फॉर्म खिलाड़ियों को मौका जरूर मिलना चाहिए। धोनी के भाई को नहीं मिला मैच देखने का पास, लाइन में लगकर कटाई टिकट, इंग्लैंड के खिलाफ 19 जनवरी को रांची में है वनडे। धोनी की कप्तानी के बचाव में सामने आए राहुल द्रविड़, कहा टेस्ट मैचों में फिलहाल धोनी से अच्छा कप्तान कोई। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का खुलासा, क्रिकेट से रिलैक्स करने के लिए वो खुद धोते थे कार। मुंबई के अंडर-14 टीम में सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की एंट्री, वेस्ट जोन के खिलाफ उतरेंगे मैदान में, 20 जनवरी से खेलेंगे मैच। बेटे के अंडर-14 टीम में चुने जाने पर सचिन का बयान, कहा बेटे की सफलता से हूं बेहद खुश, उसे खेल को एंजॉय करने देने के लिए। आज नरेंद्र मोदी का दिखेगा दम, अहमदाबाद में शुरू हो रहा वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टमेंट समिट, तमाम कारोबारी दिग्गज गुजरात के लिए कर सकते अपने प्रोजेक्ट का ऐलान। गंगा को बचाने के लिए चैनल लाइफ को की गंभीर पहल, आज तक के साथ शुरू की महादेव गंगा महोत्सव की शुरुआत। अभिनेत्री सनी लियोन का सामने आया पशु प्रेम, पेटा के इवेंट का आई नजर। ऑस्कर में रंग जमाएगी फिल्म लाइफ ऑफ पाई, 11 कैटेगरीज में हुआ नामांकन। 20 से 23 फरवरी तक गुवाहाटी में लगेगा नॉर्थ ईस्ट फैशन से, सुहा खान को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। सीरियल ब्लास्ट से दहला पाकिस्तान, क्वेटा में 3 और स्वात में 1 धमाका, 100 से ज्यादा लोगों की मौत।
अमेरिकी स्कूल में फिर फायरिंग की घटना। कैलिफोर्निया के स्कूल में 16 साल के छात्र ने गोली चलाई, एक छात्र जख्म। पश्चिमी वेनेजुएला में 2 बसों के भीषण टक्कर, 11 मरे, 75 जख्म। चिली और पेरू की सीमा पर डकार रैली के दौरान टैक्सी और रैली की टक्कर, हादसे में 7 लोग जख्म। उत्तरी चीन में जबरदस्त शीतलहर का प्रकोप, स्वायत्त इनर मंगोलिया क्षेत्र में तापमान -44 डिग्री पहुंचा।